गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर सविता मौर्य। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू लेसन विशेषण। बच्चों, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम अपने प्रीवियस लेसन को रिवाइज करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेसन में क्या पढ़ा था? बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेसन में सर्वनाम को पढ़ा था और समझा था। आपको भी वो अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। आइए हम अपने नए लेसन विशेषण को पढ़ते हैं और समझते हैं। विशेषण कुछ शब्द बताते हैं कि प्राणी या वस्तु का आकार रंग रूप कैसा है, वे संख्या में कितनी है। जैसे पीली पतंग, खट्टी इमली, हरा तोता, काला कुत्ता, लाल गुलाब, पांच चिड़िया, गोल मेज, छोटा चूहा। इस प्रकार ऊपर दिए गए चित्रों को देखने से पता चलता है कि पीली, खट्टी, हरा, काला, लाल, पांच तथा छोटा, ये सभी विशेषण शब्द हैं। ये सभी वस्तु तथा प्राणियों की संख्या, रूप, रंग और आकार बता रहे हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। फिर से पढ़ रहे हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ विशेषण और विषय लिखे हुए हैं। मैं कुछ को पढ़ूंगी, बाकी आप अपने बुक में खुद से पढ़ लीजिएगा। ये है विशेषण और ये है विषय। विषय जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विषय कहते हैं। जैसे नींबू, नींबू क्या है? खट्टा है, ये इसकी विशेषता है। और विषय क्या है? नींबू। जैसे विशेषण है खट्टा, नींबू, लाल, छतरी, लंबा, आदमी, काली, भैंस, स्वादिष्ट भोजन, हरी, घास, सुंदर, लड़की, मीठा, आम, पके केले, आठ, लड्डू, लंबी मेज, चार, गेंद, गोल, घड़ी। तो बच्चों, ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।